हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा है जो क्लास टेंथ के लिए, यहाँ पे जो क्लास नाइन से रिलेट नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मोड बताना पड़ेगा आपको। देखो, आपको क्लास इंटरवल के रूप में दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। ये फैमिली का साइज है कि भाई एक फैमिली है जिसमें फैमिली मेंबर 1 to 3 वेरी करते हैं, 3 to 5 वेरी कर रहे हैं, 5 to 7 है, लाइक डेट। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज इसके अंदर 7 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसके अंदर 1 है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन दे दिया। अब सबसे पहले मैं, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है जहां पे क्लास इंटरवल गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यहां पे आप सबसे पहले समझ लो मोड का फॉर्मूला क्या होता है। सर, मोड का फॉर्मूला हो जाएगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर, आ गई समझ, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है सर। अब इस मोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन फैमिलीज, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ है? सर, 8 में है। तो हेयर मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो कितनी आती है? 8 आती है। ठीक है सर। एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 2 दिस इज 3 to 5। क्या देखना है आपको? सबसे ज्यादा नंबर इसमें कौन सा आ रहा है, पहले उसको चूज करो। उसके जस्ट सामने वाला जो आपका क्लास इंटरवल, वो चूज कर लेना है आपको। ठीक है सर, कर लिया। सो दिस 3 by 3 to 5 इज क्लास मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? क्लास मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मॉडल बोलते हैं। अब इससे आपको क्या क्या पता लगेगा मैं बता देता हूँ आपको। सर, जैसे आपको ये मॉडल पता लग जाए तो सर सबसे पहले ये जो 3 to 5 है उससे आपको क्या पता लगेगा? सबसे पहले एल। सर, एल कितना हो जाएगा? इस 3 to 5 में जो छोटा वाला होगा ना, मतलब लेफ्ट वाला समझ लो आप, जो लेफ्ट वाला है वो होगा अपनी लोअर लिमिट, बोलते हैं इसको 3 हो गया ये। ठीक है सर। अब मेरा जो एफ वन है, जो, चलो हाइट बता देता हूँ पहले इसमें से माइनस करने वाली, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, 3 से 5 का डिफरेंस, उसको हम हाइट कहते हैं। मतलब 5 माइनस 3 2, ऐसे समझ लो। एफ वन कौन होता है? जो सबसे ज्यादा नंबर होता है वो आपका एफ वन होता है, 8 हो गया। एफ जीरो कौन होता है? इससे जस्ट प्रिसीडिंग नंबर, ठीक है। और एफ टू कौन होता है? इसके जस्ट आगे वाला नंबर। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आपका एफ जीरो, ये आपका एफ वन, ये आपका एफ टू। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, देखो सारी चीजें आपने फाइंड आउट कर ली इस फॉर्मूले की। आ गया समझ में किस तरीके से बनाना? बस एक बार आपको ये समझ में आ गया ना ये सारी चीजें, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, फॉर्मूला याद रखना। अब फॉर्मूले के ना डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो आप। मोड इक्वल्स टू, अब देखो ये एल है, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस अगला क्या है? एफ वन माइनस एफ जीरो। एफ वन कितना है सर? 8। एफ जीरो कितना है आपके पास? 7 अपॉन 2। एफ वन कितना है आपके पास? सर 8 है। माइनस एफ जीरो कितना है? 7 है। माइनस एफ टू कितना है? 2 है, ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट। हाइट कितनी है आपके पास? सर हाइट इन दोनों का डिफरेंस की बात हो रही है, यानी कि ये 2 है। ठीक है सर, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 1 ये 8 2 16, माइनस 7 2 कितना हो गया? 9, ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। 3 plus 1 by 16 में से 9 क्या कितना बचेगा? 7, और ये इंटू में 2 है, तो मैंने ऊपर लगा देता हूँ इसको। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो सर। 7 3 21 + 2 / 7, ओके 21 22 23/7, कट कर दें इसको। 7 3 21, पॉइंट लगाया, 3 1 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0 7 3 जा, एक सेकेंड, 7 5 जा 35 हो गया ना। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3.29 अप्रॉक्स करके आप लिख दो। यही आपका क्या है? मोड आ गया है। तो बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला की हेल्प से मोड निकालना है। ठीक है, जो इससे पहले वाला एग्जांपल था वो बिल्कुल सिंपल होता है, जिसके ना आपको डायरेक्टली कुछ नंबर दे देंगे, इसमें जो मैक्सिमम नंबर हो, सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन नंबर हो, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, वो आपका आंसर होता है। सिंपल, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मोड का न्यू कंसेप्ट है क्लास के लिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को। क्लियर है यहाँ तक? ओके।